हेलो दोस्तों, मैं कर्तिक और मेरा विजन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जिस टॉपिक का हम बात करेंगे उस टॉपिक को देखने के लिए वीडियो तक लास्ट तक देखिए और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा जो वीडियो है वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को बांटते हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग किसे कहते हैं, हाउस वायरिंग कितने प्रकार का होता है और हाउस वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोल से 220 वोल्टेज को अपना घर तक ले आके घर का एक रूम से दूसरा रूम, दूसरा रूम से तीसरा रूम, इस प्रकार से एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग, दूसरा बिल्डिंग से तीसरा बिल्डिंग, ये वायर को एक जगह से दूसरा जगह सजा के ले जाने का जो तरीका है उसे हम लोग हाउस वायरिंग कहते हैं। और हाउस वायरिंग का कुछ पॉपुलर जो टाइप है उस टाइप के बारे में आज बात करेंगे। पहला है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग क्या है, इस प्रकार का जो वायरिंग है इस प्रकार का वायरिंग में दो क्लीट रहता है, एक है टॉप दूसरा है बॉटम। दोनों दोनों क्लीट में क्या होता है, गैप रहता है, दोनों क्लीट में गैप रहता है, इसलिए कि तार को एक जगह से दूसरा जगह आसानी से ले जा सकते हैं। और वो जो क्लीट है वो क्लीट लकड़ी का भी हो सकता है और पीवीसी का भी हो सकता है। ये जो वायरिंग है इस प्रकार का वायरिंग है टेम्पोररी वायरिंग के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई शादी बाड़ी हो, कोई बड़ा पार्टी फंक्शन है उसमें इस प्रकार का जो वायरिंग है उस वायरिंग को किया जाता है। ये जो वायरिंग है इस वर्क वायरिंग में इस प्रकार का वायरिंग देखिए तार जो है खुला खुली में रहता है और खुला में रहने की वजह से क्या है आग फैलने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए इस वायरिंग को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। और बहुत पहले इस प्रकार का वायरिंग यूज किया करता था लेकिन आज के डेट में इस प्रकार का जो वायरिंग है वायरिंग नहीं किया जाता है। और इस प्रकार जो वायरिंग है खुला में तार रहता है इसलिए क्या होता है बाहर का वातावरण की वजह से वायर खराब हो जाता है। और इस प्रकार का जो वायरिंग है वायरिंग में तो खर्चा बहुत कम है लेकिन इसका लॉन्गजीविटी बहुत कम है, इसलिए इस प्रकार का वायरिंग नहीं किया जाता है और आग फैलने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इस प्रकार जो वायरिंग है इस वायरिंग को करने के लिए बहुत अच्छा कोई इलेक्ट्रिशियन का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई जो इलेक्ट्रिशियन का छोटा मोटा काम करता है कोई भी इस प्रकार का वायरिंग को कर सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बटन वायरिंग। ये जो बटन वायरिंग है इस प्रकार का वायरिंग में एक लकड़ी का बटन रहता है और इसको स्क्रू दे के दीवार के ऊपर लगाया जाता है और इसके ऊपर ऊपर से जो वायर है वायर को रखा जाता है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है और वायर को क्लिप से दबा के रखा जाता है। ये जो इस प्रकार का जो वायरिंग में भी क्या होता है तार खुले में रहता है, इसलिए क्या होता है जो बाहर का वातावरण से होता है बाहर का वातावरण से वायर को खराब पड़ने का चांस रहता है। और तार खुले में रहता है इसलिए अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग फैलने का बहुत चांस रहता है, इसलिए इस प्रकार का जो वायरिंग है इस वायरिंग ये बहुत पहले यूज होता था लेकिन आज के डेट में इस प्रकार का जो वायरिंग है वायरिंग यूज नहीं होता है, इसलिए ये कि इसका जो है आग फैलने का ज़्यादा चांस रहता है और इस प्रकार जो वायरिंग है देखने भी उतना खूबसूरत नहीं है और इसका जो लॉन्गजीविटी है लॉन्गजीविटी बहुत कम है। यह ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार का जो वायरिंग है वायरिंग पाँच साल चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और ये क्या है लकड़ी का बटन के ऊपर रहता है तो लकड़ी में किसी प्रकार से अगर और किसी प्रकार से अगर पानी भीग जाए तो इस वजह से क्या होता है शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है, इसलिए इस प्रकार जो वायरिंग है इस प्रकार का वायरिंग को आज के डेट में ज़्यादा यूज नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं आज के डेट में इस प्रकार का वायरिंग। तो ये जो वायरिंग है इसीलिए इस प्रकार का वायरिंग आज के डेट में होता नहीं है ज़्यादा। इस प्रकार का वायरिंग बहुत कारण होता है कि ये जो है इस प्रकार का वायरिंग इसलिए आज के डेट में ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कैसिंग कीपिंग वायरिंग के बारे में। इस प्रकार का जो वायरिंग है आज के डेट में बहुत यूज होता है इस प्रकार का वायरिंग और इसमें क्या होता है कैसिंग कीपिंग रहता है। यार कैसिंग कीपिंग क्या होता है इस प्रकार का वायरिंग दो प्रकार में बांटा गया है, एक लकड़ी का कैसिंग कीपिंग दूसरा है पीवीसी कैसिंग कीपिंग। तो पीवीसी का जो कैसिंग कीपिंग है वही आज के डेट में बहुत यूज होता है, ज़्यादातर घर में कैसिंग कीपिंग का वायरिंग होता है। तो इस प्रकार जो वायरिंग है इस प्रकार का जो वायरिंग देखने में बहुत खूबसूरत है। और कैसिंग कीपिंग को क्या होता है दीवार की कैसिंग कीपिंग का दो पार्ट रहता है, एक पार्ट को दीवार में लगाया जाता है स्क्रू देके और उसके ऊपर से तार को एक जगह से दूसरा जगह लिया जाता है और इस प्रकार से जो वायरिंग है वायरिंग को किया जाता है। और ये जो वायरिंग है इस प्रकार का वायरिंग में जो दूसरा वाला पार्ट है कैसिंग कीपिंग का दूसरा वाला जो अपना दूसरा पार्ट है वो कुहार की तरफ से लगाया जाता है। और इस प्रकार जो वायरिंग है इस वायरिंग क्या होता है तार जो वायर है वो अंदर अंदर से रहता है, इसलिए आग फैलने का ज़्यादा चांस नहीं रहता है और बाहर का वातावरण से वजह से इस प्रकार का जो वायरिंग को जो वायर है वायर को खराब नहीं कर सकता। इस प्रकार का वायरिंग देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार का वायरिंग देखने में और आग फैलने का बहुत चांस कम होता है
और इसमें का जो आयरन है इसका लॉन्गजीविटी भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब कम से कम 10 साल 15 साल तक ये चल सकता है। और इस प्रकार को आयरिंग में मतलब कोई भी अगर फॉल्ट हो जाए तो उसको आसानी से कर सकते हैं। और इस प्रकार जो आयरिंग है, इस प्रकार को आयरिंग को करने के लिए एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन का बहुत ज़रूरत है। खर्चा तो है इस प्रकार आयरिंग में थोड़ा बहुत, लेकिन इस प्रकार आयरिंग बहुत अच्छा है, सेफ है। और इस प्रकार का आयरिंग ज़्यादातर घर में यूज होता है इन मॉडर्न टाइम इन दिनों में। और हम आज बात करेंगे और एक वायरिंग के बारे में, वो है कॉन्डिट पाइप वायरिंग। कॉन्डिट पाइप वायरिंग इस प्रकार की जो वायरिंग है, इस प्रकार वायरिंग को क्या होता है, कॉन्डिट पाइप होता है, उसके अंदर अंदर से वायर को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, वायरिंग किया जाता है। इस प्रकार की वायरिंग को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है सरफेस कॉन्डिट पाइप वायरिंग, दूसरा है अंडरग्राउंड कॉन्डिट पाइप वायरिंग। जो सरफेस कॉन्डिट पाइप वायरिंग है वो दीवार के ऊपर से सरल के द्वारा पाइप को रखा जाता है, और उस केबल जो पाइप है उस पाइप के अंदर अंदर से केबल वायर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाके इस प्रकार का वायरिंग किया जाता है। ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत सेफ है, क्योंकि इसके अंदर अंदर से जो वायर जाता है तो बाहर के वातावरण से खराब नहीं होता है और आग फैलने का भी बहुत चांस कम होता है। इस प्रकार का वायरिंग देखने में बहुत अच्छा है और खर्चा तो थोड़ा बहुत है, लेकिन ये वायरिंग बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है। और इसे करने के लिए बहुत एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन का जरूरत होता है, जो इस प्रकार का वायरिंग को आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से खूबसूरती से सजा सकते हैं और कर सकते हैं। और जो अंडरग्राउंड कॉन्डक्ट पाइप वायरिंग है, और अंडरग्राउंड कॉन्डक्ट पाइप वायरिंग को इसमें इसको आप पीवीसी का पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो जीआई पाइप है जीआई पाइप भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार का जो वायरिंग है, इस प्रकार का वायरिंग जो है दीवार के अंदर अंदर से रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वायरिंग बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है, बहुत आज यूज होता है। आज के रेट में बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, बड़ा बड़ा घर में, ज़्यादातर घर में ये क्या है, अंडरग्राउंड जो कॉन्डिट पाइप वायरिंग है, ये वायरिंग आज के डेट में बहुत यूज होता है। तो ये जो है अंदर अंदर से तार रहता है, इसलिए क्या होता है, बाहर का वातावरण आर को ख़राब नहीं कर सकता है और आग फैलने का भी चांस बहुत कम होता है इस प्रकार का वायरिंग में। तो अगर ये जो है इस प्रकार वायरिंग को इस प्रकार से हम लोग करते हैं दीवार के अंदर अंदर से, बहुत अच्छा है। इसमें खर्चा थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत अच्छा है। और अगर हम इस चारों वायरिंग को अगर कंपेयर करें, तो जो पहले है क्लीट वायरिंग में तो खर्चा बहुत थोड़ा कम है, और दूसरा है बटम वायरिंग में खर्चा बहुत थोड़ा कम है, लेकिन जो कैसिंग कैपिंग वायरिंग में इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, लेकिन बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। और जो कॉन्डक्ट पाइप वायरिंग है, इस प्रकार का वायरिंग में भी बहुत सेफ है, खर्चा है, लेकिन बहुत सेफ है इस प्रकार का वायरिंग। और जो क्लीट वायरिंग जो है आग फैलने का ज़्यादा चांस रहता है, और जो बटन वायरिंग है इस प्रकार का वायरिंग में भी आग फैलने का चांस रहता है, लेकिन जो कैसिंग कैपिंग वायरिंग इसमें आग फैलने का उतना ज़्यादा चांस नहीं रहता है। और जो कॉन्डिट पाइप वायरिंग है इसमें भी आग फैलने का बहुत चांस बहुत कम है। और ये जो क्लीट वायरिंग देखने में अच्छा नहीं लगता है, और जो बटन वायरिंग है इसमें वायरिंग में देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो कैसिंग कैपिंग वायरिंग है ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, और जो कॉन्डक्ट पाइप वायरिंग है ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार का जो क्लीट वायरिंग में क्या है, बाहर का वातावरण से ये तार खराब हो जाता है, क्योंकि ये जो वायर है वायर बाहर में खुला में रहता है, और जो बटन वायरिंग है इसमें भी तार खुला में रहता है, इसलिए बाहर के वातावरण से तार खराब हो जाता है। और ये जो कैसिंग कैपिंग वायरिंग में क्योंकि बाहर का वातावरण से इसका तार खराब नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर में कवर रहता है। और जो कॉन्डक्ट पाइप वायरिंग है इसमें भी क्या होता है, तार जो है अंदर से रहता है पाइप के अंदर अंदर से, इसलिए बाहर का वातावरण की वजह से तार खराब नहीं होता है। तो ये चारों जो वायरिंग के बारे में बताया, तो इसे कंपेयर करके शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा वायरिंग बेहतर है, कैसिंग कैपिंग और जो कॉन्डक्ट पाइप वायरिंग, ये दोनों वायरिंग बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है। ये दोनों वायरिंग को आप यूज कर सकते हैं अपना घरों में।